नमस्कार आदाब, आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी सबसे अहम खबर। हम आपको बताते हैं, ऐतिहासिक कस्बा जानसठ में डीएवी कॉलेज के आज मैदान में पल्सर मैनिया का आयोजन किया गया। बजाज नव्या बजाज कंपनी के यहां पर अधिकारी पदाधिकारी पहुंचे थे और उन्होंने उपलब्धियां बताई हैं तथा खूबियां बताई हैं बजाज की वाहनों की। बाइकर्स शौकीनों के बारे में भी उन्होंने बहुत सी जानकारी दी। यहाँ पर आज आरएम सिमरवीर सिंह पहुंचे थे तो अरुण कुमार भी यहाँ पर मौजूद थे। वहीं पर जितेंद्र राणा तथा यहाँ पर रविंद्र बेनीवाल तथा भाजपा नेता सतीश खटीक भी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने भी जमकर प्रशंसा की है कंपनी को, कंपनी के उत्पादों की, यहाँ पर वाहनों की पूरी तरह से जानकारी दी है कि किस प्रकार सस्ते और अच्छे वाहन लेकर बाइकर्स अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। निष्पक्ष निर्भीक तथा अच्छी पत्रकारिता के लिए यहाँ पर 12 बेंच के चीफ एडिटर आरिफ शेष महली एडवोकेट को भी कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। देख सकते हैं खास तस्वीरें। आइए आपको दिखाते हैं पल्सर मैनिया के कुछ खास नज़ारे, जहाँ पर एक से एक अच्छा स्टंट किया गया। उमंग और जोश तथा होश के साथ देखे क्या क्या हुआ इस कार्यक्रम में। कॉलेज के अंदर देख सकते हैं जोश, जुनून, असली रोमांच। नव्या बजाज और नव्या बजाज का आज पल्सर मैनिया का कार्यक्रम खुशी भी है और देख सकते हैं वो लगातार कार्यक्रम बजाज मैनिया पल्सर। अब पल्सर मैनिया में देखते हैं कौन होगा इस रेस का सरताज। पल्सर मैनिया भैया, ललित शर्मा जी अपने ट्रैक्टर के पास पहुंच जाएं। डर के आगे जीत है। और ये देखिए ऐसे स्थान, जी हाँ, जान जोखिम में डालकर और बनती है जी ताड़ियां तो बनती है। जोन भाई एक बार हाथ में डालो यार हमारी टीम से एक बार हाथ। दोस्तों का प्यार और यही रहेगा याद, ये एक यादगार पल है। इस मौके पर नव्या बजाज ऑटो मोबाइल्स के पदाधिकारी द्वारा चीफ एडिटर आरिफ शीशमेली से विशेष वार्ता हुए क्या दी जानकारी तथा स्थानीय नेताओं ने भी क्या दी बड़ी जानकारी, आइए सुने उनकी जबानी। स्वागत है आपका डॉक्टर डैम सिमरवीर सिंह जी। जी क्या आज का थीम है? तो थीम बताने से पहले इसकी वजह बताऊंगा। जी जी। तो नव्या मोटर जो कि जनसल में है, जी जी, हमारी नंबर वन एजेंसी है जी, मुजफ्फरनगर में नहीं जी, पूरे उत्तर प्रदेश में जी, पांच नंबर वन एजेंसियों में से एक नंबर वन एजेंसी है जी, वो है नव्या मोटर, जिसने अपने एरिया में हीरो, टीवीएस, होंडा सबको पिछाड़ रखा है पिछले कई महीनों नहीं सालों से। तो इसी को इनको हम थैंक्स करने के लिए, यहाँ के कस्टमर के लिए हम नई गाड़ी के साथ साथ पल्सर मैनिया लेके आए। पल्सर मैनिया जो कि हम बड़े बड़े शहरों में करते हैं, लेकिन हमने सोचा जनसद के कस्टमरों को इसको दिखा के उनको भी इससे रूबरू कराया जाए। दूसरी कंपनी के मुकाबले आपका पल्सर मैनिया, जो आपने नाम लिया है पल्सर का, कैसे बेहतर साबित हो रही है? तो दूसरी कंपनी तो पल्सर मैनिया करते ही नहीं, क्योंकि पहले तो उनकी बाइक उस लायक नहीं है कि वो पल्सर मैनिया कर पाए, और ऐसे एक्सपर्ट तो हमारे पास ही अलग है। अभी पिछले ही महीने हमने दुनिया की सबसे पहली सीएनजी बाइक मोटरसाइकिल लॉन्च की है, जो कि 110 से 120 किलोमीटर की माइलेज दे रही है 1 किलो गैस पे। सो प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दिवाली के लिए बहुत सारे रेंज है, और डीलर ने अपने तरफ से जो है सारी व्यवस्थाएं करके रखी है, स्टॉक से लेके फाइनेंस की सुविधा से लेके ग्राहकों के लिए बुकिंग एवरीथिंग रखा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा जनपदवासियों से कि आप लोग आइए और डीलर को प्रोत्साहन दीजिए, उनका वॉल्यूम जैसा पास्ट में चलता आया वैसे ही ये करता रहे। मेरा नाम जितेंद्र राणा है जी, मैं नव्या मोटर्स यहाँ पे मैंने शोरूम कर किया हुआ है जी, पिछले 4-5 साल से मैं यहाँ पे गाड़ी सेल कर रहा हूँ जनता के लिए जी। और हमारे पास में
हर एक रेंज की चल रही है आपके यहाँ? अभी हमारे यहाँ पे पर बाइक पे तो 2100 रुपए का तो नकद कैश है, और अगर जो कोई अपनी लड़की की शादी में देता है तो हम 3100 रुपए का डिस्काउंट देते हैं उन्हें, और साथ में गिफ्ट देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि यदि कोई बिटिया की शादी में भी देगा तो उससे पर उनको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। कैसे देखते हैं आप, खास तौर से आपके क्षेत्र में यह कार्यक्रम हो रहा है? मैं रविंद्र बेनीवाल जी, जिला भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर जी। हमारी जानसर तहसील में बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम रहा, और हमारी जानकारी में शायद ये सबसे पहले कार्यक्रम था जो भव्य और दिव्य रहा, और बहुत सुंदर रहा। क्षेत्रीय जनता ने बहुत सहयोग किया, यहाँ के स्टाफ को और क्षेत्रीय जनता को, डॉक्टर सतीश कटेल जी को, जितेंद्र राणा जी को, अपने मीडिया के बंधुओं का सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय जवान। सतीश कटेल साहब, बहुत बड़ी बात, खास तौर से सरकार से भी क्या उम्मीदें हैं, और अब क्योंकि व्हीकल्स में भी, और क्या संदेश है, सब कुछ कहना चाहेंगे आप? ये सरकार से हट के कार्यक्रम है आज का। सरकार से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई व्हीकल पे कोई छूट हो, या आपके खास तौर से टैक्स के ऊपर भी कोई मांग है, या बचत की बात होनी चाहिए, कोई डिस्काउंट मिले? सबसे पहले सरकार ने 10,000 रुपए का डिस्काउंट चेतक पे दिया है सब्सिडी के तौर पे, बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। और दूसरे, आज जो कार्यक्रम हुआ है, ये हमारे जितेंद्र भाई राणा जी ने इसकी जिम्मेदारी मुझे दी, और मैं समझता हूँ कि मैंने निभाने का प्रयास किया है। और इस तरह का कार्यक्रम पहली बार हुआ है जानसठ में, आप जानते हैं, आप जानसठ के निवासी हैं। व्हीकल बहुत हैं, ज़्यादातर हैं, सेफ्टी के बाबत मुझे आप बताएं। सेफ्टी के बारे में मैं यही कहूँगा कि जो स्टेंट यहाँ अपने पल्सर वालों ने दिखाए हैं वो पेशेवर हैं, और उन्हें करने चाहिए क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस है। जो मेरे युवा बच्चे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो इस तरह का स्टैंड बिना अभ्यास के बिल्कुल ना करें। बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे, देख रहे थे, खास कार्यक्रम है अंदर की झलकियां भी, मेरे साथ आप बने रहेंगे, और बड़ी अपडेट के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश मेरी चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।